हम पुत्र एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पुत्र एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। धर्मराज युधिष्ठिर आए श्री कृष्णा के पास, बोले प्रश्न उठा है मन में मेरे आजिक खास। अनेकों एकादशी कथा है आपने मुझे सुनाई, देव शैनी और कामिका एकादशी भी आई। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की होती जो एकादशी, आपके मुख से कथा मैं सुनना चाहता उसको भी। श्रावण शुक्ल की एकादशी को कृष्णा क्या कहते हैं, व्रत करने वालों को इसका क्या फल मिलते हैं। फिर तो युधिष्ठिर को श्री कृष्णा ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। मासिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए, पुत्र एकादशी नाम से वो तो जानी जाए। पुत्र एकादशी व्रत को करते हैं जो भी, मनोकामना पूर्ण हो जाती है उन सब की। करते हैं जो व्रत ये उनको कथा भी सुननी चाहिए, वाजपेयी यज्ञ का फल है जैसे तो पा जाइए। लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा व्रत में की जाए, पूर्ण हो जाती भक्तों की तो सभी मनोकामनाएं। ध्यान लगा कर सुन लो अब हम कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। युधिष्ठिर द्वापर युग का जब आरंभ हुआ, महिष्मति एक नगर हुआ जो बड़ा ही प्रसिद्ध था। महिष्मति के जो राजा थे महीजीत था नाम, दीन दयालु और धर्मात्मा करते थे शुभ काम। किंतु राजा को अब तक ना कोई संतान हुई, जिसके कारण महीजीत राजा हुए बड़े दुखी। पुत्र प्राप्ति की खातिर भी अनेकों किए उपाय, यज्ञ
हवन भी करवाए और ब्राह्मण को दी गाय। कोई उपाय किंतु उनके काम नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। आने लगी है राजन में फिर तो वृद्धावस्था, अपने अनेकों प्रतिनिधि राजन ने लिए बुला। बोले उनसे, मैंने आज तक किसी को नहीं सताया, अतिरिक्त कर अपनी प्रजा पे नहीं है कभी लगाया। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी किया सदा सम्मान, ना कोई पाप किया है फिर भी मैं रहा निःसंतान। समझ सका ना मेरे इस दुख का क्या कारण है, जानना चाहता हूँ इसका क्या कोई निवारण है। सुना है पाप कर्म मानो के आगे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। जीत से बोला आकर उनका एक मंत्री, आपके इस दुख से तो राजन हम भी बड़े दुखी। वन में जाकर करे प्रयास, क्या इसका है कारण, कोई सिद्ध मुनि बतला देंगे जो भी होगा निवारण। लेकर मंत्री प्रजाजनों को वन में आए हैं, अनेकों ही ऋषि मुनियों के वह दर्शन पाए हैं। अत्यंत ही वयोवृद्ध तपस्वी एक उन्होंने देखा, ज्ञानी है वो सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों का। चरणों में आकर के उसके शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कहते हैं लोमेश मुनि था उस तपस्वी का नाम, बस ईश्वर की भक्ति ही करना है उनका काम। बोले मुनिवर, है मंत्री किस कारण आए हो, निश्चिंत होकर दुविधा तुम अपने मन की कहो। दूसरों के हित की ही खातिर मेरा जन्म हुआ, मुझे बताओ इस वन में तुम आए जानने क्या। बोले मंत्री, उनसे आप तो जानते हैं सब कुछ, कष्ट निवारण राजा का कोई बतला दो सच मुझे। दुखी न अपने राजा को हम देखना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये सुनकर लो मेश मुनि ने अपना ध्यान लगाया, पूर्व जन्म का एक वृतांत है राजन का बतलाया। पूर्व जन्म में महीजीत एक निर्धन वैश्य था, निर्धन होने के कारण कई बुरे कर्म करता, सदा ही घाटे में चलता था इसका तो व्यापार, कभी कभी तो भूखा रह जाता सारा परिवार। एक गांव से दूसरे गांव जब व्यापार को जाता, कभी तो मिलता खाने को कभी भूखा ही सो जाता। तंग हाली में इसके दिन तो बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश का था दिन, नहीं मिला है खाना सो गया भूखा पहले दिन। द्वादश को उठा सुबह तो लगी चोर की प्यास, पानी पीने की मनसा से गया तालाब के पास। घाट पे पानी पी रहे थे एक गाय और बछड़ा, खुद लगा पानी पीने और उनको हटा दिया। बन गया राजा एकादशी को जो रह गया भूखा, गौ को प्यासी रखने कारण पुत्र है नहीं हुआ। पानी पीते हुए गाय कभी नहीं हटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। मंत्री पिछले जन्म में उनसे जो पाप हुआ, समाधान बतलाओ मुनिवर है उस पाप का क्या। बोले ये लो मेष मुनि तो अपना ध्यान लगा के, पुत्र दये का दशी व्रत तुम करो सभी मिल के। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आए, राजा और मंत्रियों के द्वारा व्रत किया जाए। राजा को दे देना तुम सब अपने व्रत का फल, मही जीत की सारी समस्या हो जाएंगी हल। महिष्मती नगरी में लौट कर फिर सभी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा
सुनने से मिटे व्यथा। अपने राजा को आकर के सारा हाल बताया, किंतु पिछला जन्म तो उनको याद नहीं आया। पुत्र दाए एकादशी व्रत फिर सबने किया मिल गए, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का रहे ध्यान सब गए। अपने व्रत का फल सबने राजा को दे दिया है, अगले दिन ही रानी को भी हो गई आशा है। पूर्ण जो नौ माह हो गए पुत्र का हुआ जन्म, महलों में खुशियां छाई और भूल गए सब गम। प्रजा के वासी सारे मिलकर खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशी व्रत तो भक्तों बड़ा महान, व्रत करने से निह संतान को मिलती है संतान। पिछले जन्म के किए पाप भी इससे धुल जाते, लक्ष्मी जी और श्री हरि का जो है ध्यान लगाते। हर एक व्रत करने वाले को सुननी चाहिए कथा, पुत्र दाए एकादशी व्रत का फल तब ही मिलता। हंस राज रेलहन को सुनकर कथा मिली है सीख, दियस पालन गाई है और चलाएगा कुलदीप। फौजी सुरेश के शब्द पसंद सबको ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशी का व्रत फल सुनने वाले पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे
तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।